name it. So there is a great scope, there is a great scope to learn, and I feel that Nabji would do justice to it, because at the end of the day, to become the best, you need to learn from the best. So again, thank you so much. So it's time to call the best. Bas, Mandarji, bas. I think even before we call the man on... Here, the man who made me film director is here. मतलब एक एक शख्स जब गैप आया तो राधिका जी who made 90 फिल्म with me, जिनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और दादा साहब फाल्के ट्रॉफी हमको मिली. थैंक यू राधिका जी. मतलब अगर मैं से नाम लूंगा, नॉन स्टॉप जो सपोर्ट है आप लोगों का वो अनबिलीवेबल है. अ मैन आशु जी, शेरा भाई, मतलब आप सभी अगर मैं नाम लूंगा, आप जस्ट इमेजिन करिए भाई कि मैं सिर्फ एक कॉल किया और यूएसए से इंडिया आ गया. सो इस सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता. यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी विन. वेरी सिंपल जो ये कह रही थी. और अब मेरे बारे में तो ज्यादा क्या बोलूं, तो आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया, ये मेरे बारे में भूलती जा रही है. इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अपनी क्लासेस में एक लाइन पढ़ाता हूं, आई एम पॉसिबल. सो ये ढूंढता था कि यार ये ऐसे लोग में सिर्फ पढ़ा. पूछा किसका सवाल है? पूछो बाद में पूछेंगे. सुनील जी, आप अपने सवालों के साथ रेडी हैं. कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. सो नव जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके, पर आई थिंक इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, इतने सारे लोग जो आपको सपोर्ट करने आए हैं, जो आपके स्कूल को सपोर्ट करने आए हैं, आपके थॉट को सपोर्ट करने आए हैं, दे हैव बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी, व्हाट यू हैव टू से. कैमरा ऑन है गजे, बंद किया बड़ा वेन करो ना. सो फ्रॉम मुझे स्टेज पे मत बुलाना, टू मुझसे सवाल मत पूछना. Now he has come to, मुझे माइक की ही जरूरत नहीं है. अब बुलंद आवाज. वाह, ये आवाज सही. कौन बोला माइक चाहिए? अच्छा विनस, इधर टाइम्स भी है भाई. अच्छा, तो सबसे पहले तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से लेके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पर आज सच्ची मैं सालों के बाद राजू भाई को मिल रहा हूँ, मगर इनकी तरक्की देखते हुए एज अ ब्रदर, दोस्त, कलाकार, बहुत दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई he's climbed the ladder, not only as a director. आज आप लोग सब लोगों ने उनके उनकी फिल्मोग्राफी देखी है, उनके करियर्स कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँचे हैं, और आज एक स्कूल खुला हुआ है, इंटरनेशनल स्कूल विद जॉर्डन रिवर, या जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर यूएसए. और ये ऐसे स्कूल्स की हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है. बहुत लोगों ने स्कूल्स खोले हैं, बहुत, मगर बहुत कम लोगों ने स्कूल्स खोले हैं विद इंटरनेशनल अफिलिएशन. और हमारे राजू भाई ने आज एक बहुत बढ़िया स्कूल खोला हुआ है. मेरी गुजारिश आप सबसे है, जो भी कला के क्षेत्र में एंट्री करना चाह रहे हैं, प्लीज़ इस स्कूल के बारे में ज़रूर सोचना. आप, मुझे पता आप लोगों के पास बहुत बथेर चॉइसेस होंगे स्कूल्स की, बट आई वुड वाउच फॉर राजू भाई बिकॉज एज अ डायरेक्टर ये बहुत सीनियर टेक्नीशियंस आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया है. और मेरी भी इच्छा है कि मैं, मुझे मौका मिले कि राजू भाई के साथ मैं भी काम करूँ आगे जाके. और
क्या कहना चाहूँगा मैं बस आज, हाँ आज जो राजू भाई ने उनके पास्ट के बारे में नहीं, उनका फ्यूचर और एक ऐसी चीज़ उन्होंने आज पेश की है लावनी, मतलब मुझे एज एन एक्टर इतना फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसी कला मैंने कभी देखी नहीं और आज उन्होंने हमारे सामने ये कला पेश की है। एज एन एक्टर मुझे आज वाकई बहुत सीखने मिला है जो इन्होंने पेश किया है लावनी, जो शो इन्होंने परफॉर्मेंस किए लेडीज़ ने, मतलब एज एन एक्टर मुझे बहुत सीखने मिला है आज। और ये एक शुरुआत है राजू भाई के स्कूल की, ये आपको ये लावनी के थ्रू भी ये दिखाना चाहते हैं कि इनके स्कूल ज्वाइन करके आपको क्या क्या कला से ये जुड़ाएंगे, सिखाएंगे और फिल्म दुनिया का पूरा पूरी दुनिया आपके आगे खोलेंगे। सो मेरी दिलों तमन्ना है और मेरी विनती आप सबसे कि प्लीज़ इस स्कूल को प्रमोट कीजिए, जो भी कला के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं ये प्लीज़ इस स्कूल के बारे में ज़रूर सोचना। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू एंड आई एम होपिंग टू सी ऑल सून इन दिस स्कूल। मेरा भी अभी तो ये टू अर्ली अनाउंस करने के लिए, बट मेरा मैं तीसरी पुश हूँ इंडस्ट्री में और मेरी चौथी पुश तैयार हो रही है एंड होपफुली राजू भाई विल बी देयर टू ट्रेन हिम, जो मेरी पुश होगी। मेरा बच्चा आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत उसके बारे में एक साल डेढ़ साल में आप लोगों को पता लगेगा। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सर ने इतनी सारी बातें कही होली रिवर के बारे में, इतने सारे अकेडमी है एक्टिंग अकेडमी, होली रिवर का क्या खासियत होगा सर उस बारे में? होली रिवर की खासियत यही है कि वो होली है, वो होली है और वो रिवर है, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मेरे साथ ऐसे मेरे दोस्त नॉन स्टॉप अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ आज तक खड़े थे, जो कभी भी कहीं भी आकर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये होली रिवर, इसका नाम, अगर आप नाम की बात कर रहे हैं तो एक कला क्या है, कला जैसे इन्होंने कहा लावणी, आज हमने हमारा सॉफ्ट लॉन्च है इस पर हमने लावणी रखी, क्योंकि लावणी एक कला का बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है और चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं सो हमें जानना चाहिए, हमें अपनी धरती से जुड़े रहना चाहिए, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। जो आवाज़ अभी आप लोगों के कान में आ रही है ये आवाज़ आप लोगों की कहीं ना कहीं डीएनए में होगी। तभी आज भाई ने जो कहा कि यार मज़ा आ गया इनके एक्सप्रेशंस देखकर, सो होली रिवर क्या है बेसिकली, होली यानी पवित्र, कला क्या होती है वो उसी तरीके से पवित्र होती है। और एक कलाकार होता क्या है, वो रिवर की तरह होता है, जो टेक हो गया वो टेक हो गया, जो बह गई रिवर वो बह गई। और दूसरी बात एक है कि जैसे कला और कलाकार के भीतर क्या चल रहा है हमको पता नहीं चलता, उसी तरीके से एक नदी के भीतर क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता, पत्थरों से टकराती है, पेड़ों से टकराती है, कई रास्तों से होते हुए वो अपने समुद्र को तलाशती है। उसी तरीके से एक एक्टर एक अच्छे डायरेक्टर को तलाशता है। तो बहुत सारी समानताएँ इस रिवर में और कलाकार में देखी गई मैंने। सो मुझे लगा कि अब वो टाइम है जब वन वर्ल्ड वन प्लेटफॉर्म वन टैलेंट है, तो इस होली रिवर को अब सारी सीमाएं तोड़कर बाहर जाना चाहिए, इतना टैलेंट हमारे भारतवर्ष में है, तो उस टैलेंट को सारी सीमाओं को तोड़कर बाहर ले जाने के लिए हमने जॉर्डन रिवर यूनिवर्सिटी यूएसए से टाई अप किया। और यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत बाहर से लाकर हमारे आगे आने वाले एक एक्टर को मुकम्मल एक्टर बनाने के लिए देने वाले, वो मुकम्मल है, उसे बस सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैं चाहता तो ये इंटरनेशनल स्कूल 20 साल 25 साल पहले भी खोल देता, बट 2014 में जब हमारी फिल्म को दादा साहब फाल्के ट्रॉफी अवार्ड मिला, उस रात मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम to start our own international school, to give one right direction, जो नए लोग आते हैं उनको सही direction मिले कि Bollywood acting क्या है, theatre से कितनी अलग है, क्या सीखना पड़ेगा,
टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड द साइंस ऑफ दैट आर्ट इज नोन एज बॉलीवुड एक्टिंग, तो वो जानना पड़ेगा सर। इसके अलावा आप जो है सलमान खान के साथ भी काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो क्या सलमान खान फिल्म्स के साथ कोई कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि सलमान जो है नए चेहरों को कोलैबोरेशन हो चुका। मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर अभी यहाँ भी मैं हूँ तो सलमान भाई के सेम अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से। मैं दबंग 3 की कास्टिंग कर रहा था, मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तभी हमारी दूसरी यूनिट बॉलीवुड अभिनय जो ऑनलाइन एक्टिंग सिखाती है, तो उनके 15 एक्टर्स ने दबंग 3 में काम किया था। इससे बड़ा कोलैबोरेशन और क्या हो सकता है। एंड थैंक्स टू प्रभुदेवा जी, किसी ने कोई सवाल नहीं किया और सारे के सारे 15 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे इन्होंने कहा, कितनी इमोशनल बात है ये देखिए कि ठीक है हम बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, बट इन्होंने क्या कहा कि मेरा एक बच्चा आने वाला है और मैं चाहूँगा कि वो नव भाई के अंडर सीखे। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई लोगों के पास गया कि मैं ऐसी इंटरनेशनल एकेडमी शुरू कर रहा हूँ। आपको पता है उन लोगों ने अपने बच्चों को एब्रॉड भेजने से रोक दिया कि पहले आप नब सर के अंडर सीखो, फिर जाना है तो जाना, नहीं जाना है तो मत जाना। क्योंकि ये बेसिकली है क्या, ये इतने साल का अनुभव। सो यही है अपना होली रिवर, और जो कोलैबोरेशन की आप बात कर रहे थे, सो ऑलरेडी वो कोलैबोरेशन हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जो नई एक्टिंग एकेडमी होली रिवर क्या कहना चाहेंगे, कैसी बॉन्डिंग है नाथ सर के साथ, और क्या कहना चाहेंगे इस एकेडमी के साथ? मैम किस तरह की बॉन्डिंग रही है आपकी उनके साथ? और सलमान भाई भी मतलब हमेशा नए टैलेंट को मौका देते, तो इस जो एक्टिंग स्कूल है वहाँ से भी कई सारे टैलेंट देखने मिलेंगे। और सलमान भाई के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है नाम सर की, क्योंकि बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और मतलब एक बहुत ही खास आज आपको जैसे पता है कि भाई की बॉन्डिंग अगर किसी से अच्छी होती है तो हर पिक्चर में आप देखिए आपका बेटा भी जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, थोड़ा सा अगर इस बारे में बताया हमें। जल्दी शुरू हो जाएगा सर, मैं भी वेट कर रहा हूँ कब शुरू होगी, और जैसे शुरू होगी तो मेरे सबसे सम्मान भाई मालिक भी आपका अपना न्यूज़। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई है नव कुमार राजू के इस एक्टिंग स्कूल के इस कोलैबोरेशन को देखकर। मैं और नव बहुत पुराने मित्र हैं, मैं नागेश भोसले, राज शेट्टी, नव कुमार राजू, हम एक फैमिली जैसे हैं। हमने कई बार इनकी एक्टिंग स्कूल्स में वर्कशॉप्स लिए हैं,
तो जिस तरीके से नव भाई बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे एंटरप्राइजिंग भी है, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका किस तरीके से अच्छा होगा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, एक्टिंग तो सिखाते ही हैं साथ ही साथ एंटरप्राइजिंग भी है, इसलिए बहुत सारे एक्टिंग के पहलुओं के अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। मैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में हमेशा इनके स्टूडेंट्स को गाइड करते आया हूँ। आज का ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि आज इनका एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है, हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम आज इस आयोजन में आए हैं। हम सारी खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं नव भाई को देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका ये कोलैबोरेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत ही सक्सेसफुल और जानदार हो। आपने बिल्कुल कहा, होलीनेस तो है क्योंकि ये बंदा होली आदमी है, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। मैं भी मतलब जैसे गिरीश जी ने कहा कि हम लोग पुराने मित्र हैं, काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मैं तो एक फिल्म इनके साथ कर चुका हूँ और उनसे अवार्ड भी मिला है। अब हमने तीनों ने की थी वो फिल्म कर चुका हूँ, ये डायरेक्टर थे, मैं एक्टर था, तो मेरा अनुभव तो बहुत बढ़िया था। कमाल के डायरेक्टर भी हैं और खुद एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपको पता ना हो तो हमारी फिल्म में इन्होंने काम भी किया था। तो हम सबकी बहुत शुभकामनाएं हैं और हम लोग सब बहुत खुश हैं और होली रिवर इंटरनेशनल फिल्म स्कूल एंड प्रोडक्शन इंडिया। सर जेबी मैम का कोई कोलैबोरेशन होगा होली रिवर के साथ? जी हाँ, मैं जेबी मैप से कोलैबोरेशन करूँगा क्योंकि मुझे जेबी मैप में हमेशा नए बच्चों की, नए टैलेंट की खोज होती है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नए बच्चे, नए टैलेंट आते रहें और इसमें होली रिवर इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें मैंने कई बार वर्कशॉप लेते हुए बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को देखा है जो गाते हैं, डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं। अब शॉर्ट वीडियो ऐप्स में होता ही ये है कि उनमें डांसेस चाहिए होते हैं, छोटे छोटे 10-15 सेकंड्स के वीडियोस होते हैं, तो ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, तो ऑब्वियसली आगे चल के हमारा और नव भाई का यानी कि जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप का और होली रिवर इंटरनेशनल का कोलैबोरेशन ज़रूर हो। थैंक यू सर। ये ट्रायो कब देखने मिलेगा हमें फिर से? ये ट्रायो हमें फिर से कब देखने मिलेगा? वेरी वेरी सून, वेरी सून। इनके साथ काम करना मतलब है कि आप एज एन एक्टर तो बड़े बन रहे हो बट इनको डायरेक्शन का भी, आपने कोई फिल्म भी डायरेक्ट की? कई सारी, सात फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं नव भाई के साथ। पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी है। राज भाई, नव भाई के बारे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं होली रिवर के वो सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखेंगे, वो फिल्म मेकिंग के बारे में जो सीखेंगे नव भाई से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्टर को सिर्फ अपने डायलॉग्स और एक्टिंग पे ध्यान तो देना ही चाहिए बट अगर ओवरऑल जो नॉलेज नव भाई दे सकते हैं इन स्टूडेंट्स को वो शायद ही किसी और टीचर से वो लोग इतनी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो दैट्स अ, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ होली रिवर, सो आई गिव हिम ऑल द बेस्ट एंड लकी आर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक पार्ट इन होली रिवर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।